आज बात करते हैं इंटरनेट की उस दुनिया के बारे में जिसे डार्क वेब कहा जाता है। यह इतना डार्क है कि इसमें सारा चीज अंधकार में है। आज तक हम लोगों ने इंटरनेट को जितना जाना है ना, वह पूरा इंटरनेट का 4-5% है। पूरे इंटरनेट को ना 3 पार्टों में बांटा गया है, सरफेस, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस इंटरनेट की वह दुनिया है जिसे हम यूज करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। डीप वेब इंटरनेट की वह दुनिया है जो हमारे इम्पोर्टेंट फाइल को सेव करके रखता है, जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल, प्राइवेट कंपनियों के प्रोजेक्ट डाटा, सरकारी इंफॉर्मेशन। और तीसरा और लास्ट डार्क वेब, यह इंटरनेट की वह दुनिया है जो आम आदमी से, हम लोग से छिपा रहता है। इस डार्क वेब को ना 1990 में अमेरिका की नौसेना ने बनाया। वह इसका उपयोग ना खुफिया बातों को ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में करते थे। अभी के समय में ना, अभी प्रेजेंट टाइम में ना, उस डार्क वेब पे 5-7 लाख वेबसाइट काम करती है। यह जो डार्क वेब है ना, यह नॉर्मल सर्च इंजन से खुलता ही नहीं है, जैसे गूगल हुआ, ओपेरा हो गया, इस सब से एक्सेस होता ही नहीं है। इस पे यह खुलता ही नहीं है। इसको एक्सेस करने के लिए, इसको चलाने के लिए ना एक अलग ब्राउजर है जिसका नाम टोर ब्राउजर है। जैसे हम किसी भी सर्च इंजन पे ना, जो नॉर्मल सर्च इंजन है उस पे .in, .com, .org यूज करते हैं ना, लेकिन जो टोर ब्राउजर है ना, यह चलता है .onion पे, .onion, लेकिन यह बहुत सारे देशों में बैन है, बस कहने का, बस नाम मात्र का। सच्चाई यह है ना कि बड़े बड़े देशों के, या कह लो कि हर देश की सरकार जानती है, लेकिन इनके भी हाथ यहाँ तक नहीं पहुँचते। इस डार्क वेब पे ना दुनिया के वो हर गलत काम होते हैं जो आप सोच नहीं सकते, जैसे कि कोकीन, ड्रग्स, गोली, बंदूक, नकली पासपोर्ट, लड़कियों को खरीदना बेचना, हमारे मानव शरीर के इंटरनल पार्ट को भी बेचा और खरीदा जाता है। और भी इस पे इतने घिनौने काम होते हैं ना जो मैं बता नहीं सकता। सबसे बड़ा बात है ना, यहाँ क्रिप्टो करेंसी चलता है, मतलब इंटरनेट का पैसा, जैसे बिटकॉइन हुआ, मेनरो हुआ। हाल ही में खबर आई थी कि डोमिनोज के सारे डाटे डार्क वेब पे डाल दिए गए हैं। समय समय पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के डाटे भी डार्क वेब पे डाले जाते हैं, इसे भी खरीदा और बेचा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है ना कि हर एक देश डार्क वेब को यूज करता है, अपने सीक्रेट फाइल, अपने सीक्रेट मिशन, अपने सीक्रेट कन्वर्सेशन को ना इसी डार्क वेब के जरिए करते हैं। इसीलिए किसी देश की सरकार ना इस डार्क वेब को सीरियस नहीं लेती, इस पे हाथ नहीं डालती। इस डार्क वेब के अंदर भी ना, इस डार्क वेब का एक कोना इतना डार्क है कि आदमी चाह कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता, जिसका नाम मरीना वेब है। इस वेब पे ना एक खास तरह के आईपी एड्रेस के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, जो नामुमकिन है। हाँ, एक बात और, डार्क वेब पे ऐसे ऐसे दवाइयां मिलती है जो ओपन मार्केट में मिलना संभव नहीं है। डार्क वेब पे ऐसे ऐसे ड्रग्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे कोकीन मिलते हैं ना, जो आज के समय में ड्रग पैडलर है ना उन्हें भी पता नहीं है। यह चेतावनी है मेरे तरफ से, आप इस डार्क वेब का ना, आप इस टोर ब्राउजर का ना यूज कभी ना करें, इससे जितनी हो सके दूरी बना के रखें। इस टोर ब्राउजर पे ना, इस डार्क वेब पे ऐसे ऐसे हैकर बैठे हुए हैं ना कि आपकी एक गलत क्लिक ना आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मैंने जितना खोजा, या फिर यह कह लो मैंने जितना जाना और मैंने जितना समझा, उससे यह साफ है ना, डार्क वेब इंटरनेट का सबसे खतरनाक पार्ट है, जहां दुनिया की हर वो गलत काम होती है जो आप सोच नहीं सकते। लास्ट में बस इतना कहेंगे ना, आप इस डार्क वेब से, टोर ब्राउजर से हमेशा दूर रहिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा ना, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद।